अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राखी सावंत के रोते हुए एक ऐसी वीडियो के जिसमें वो आवाम से अपील कर रही हैं कि खुदारा उनके मुसलमान होने को, नमाज अदा करने को, रोज़ा अदा करने को रियाकारी मत बनाएं, ये मत समझें कि वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं। नेज़ पिछले ही दिनों वो उम्रा भी अदा कर चुकी हैं, तो मैं उनके उम्रा करने की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी चंद बातें ऐसी जिक्र करूंगी जिनका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आप किसी इतने बड़े गुनाह में मुलव्वस ना हो जाएं कि जिसका आपको ख़बर भी ना हो। क्योंकि बेखबरी में कुछ चीज़ें हमें सिर्फ जस्ट मजाक लगती हैं, मगर उनके नतायज और समरात इस कदर भयानक होते हैं कि अगर आप जान जाएँ तो आपकी रूह काम जाए। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अगर आपने किसी नौ मुस्लिम के इस्लाम लाने पर रियाकारी का लेबल लगा दिया, या फिर किसी मुसलमान के इस्लामी फ़राइज़ के अदा करने को, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अदा करने को रियाकारी बना दिया, और उसने आपके इस मजाक से और इस लेबल से तंग आकर उन चीज़ों को तर्क कर दिया या इस्लाम से खारिज हो गया, तो आप यकीन कर लीजिए कि आपने अपने आखिरत को तबाह करने का एक सामान पैदा कर लिया। तो राखी सावंत, जो कि पहले कभी क्रिश्चियन या हिंदू हुआ करती थी, उन्होंने इन मज़ाहिब को छोड़ दिया एक सच्चे मज़हब की तरफ आने के लिए। अब वो इस मज़हब में दाखिल हुई हैं और नमाज़ अदा करते हुए अगर उनके टुकड़े नज़र आते हैं या रोज़ा वो प्रॉपर से वैसे नहीं अफ्तार कर रही, उनका सर नज़र आ रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि उसे अभी इस्लाम के प्रॉपर अहकाम का पता भी नहीं है और वो इस वक्त सीखने के मराहल में है। तो आपको चाहिए कि आप उनकी हेल्प करें, उन्हें बताएँ क्या चीज़ कैसे करनी है और क्या चीज़ कैसे नहीं करनी, ना कि आप उन्हें स्क्रॉल डाउन करें ताकि वो दिल बर्दाश्त ही हो जाएं। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कि बशिरू वला तुनफिरू, खुशखबरी दिया करो और मुतनफिर ना किया करो, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा किया करो और तंगदस्ती पैदा ना किया करो। और मजाक उड़ाना तो वैसे भी इस्लाम में हराम है, इससे दूसरे की दिलशिकनी होती है और दिल भी दुख जाता है। तो अल्लाह ताला ने किसी के दिल दुखाने से और उसकी दिलशिकनी करने से सख्ती से मना किया है और उसे हराम करार दे दिया है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह हुजरात में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुन बिक़ौमिन असा अन यकूनू खैरन मिन्हुम, कि कोई कौम किसी कौम के साथ मजाक ना करे कि हो सकता है वो उससे बेहतर हो। और फिर इसी आयत के आखिरी अगले जुज़ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे अलकाबात भी ना डालो कि जिससे तुम्हें दूसरों को तंग करना या उनको परेशान करना मकसूद हो, क्योंकि इस्लाम में किसी इंसान को, मुसलमान को तंग करना या परेशान करना हराम है। तो ये कैसे जायज़ होगा कि आप एक ऐसे नौ मुस्लिम को छेड़ें या परेशान करें कि जो अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुआ है, हालांकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक आपको शायद मालूम ना हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया है कि अलिस्लाम युहदिबु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम मा क़ब्ल के जितने भी गुनाह होते हैं उन सब से इंसान को पाक साफ कर देता है, सारे पहले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप और मैं तो पकड़े जाने का कोई ना कोई तसव्वुर हो सकता है कि हमसे कोई गलतियाँ हों, ऐसे गुनाह हों, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमें पकड़ सकते हैं। लेकिन जो शख्स सिर्फ कलमा पढ़ा, उसने इस्लाम में दाखिल हुआ और कोई अमल किया भी नहीं और फौत हो गया, तो अल्लाह ताला उसे बख्श देंगे, माफ़ फरमा देंगे। क्योंकि ये वो शख्स है कि जो इस्लाम के लिए अपने घर बार, अपने ख़ानदान, अपने मज़हब, अपने लोग, अपने फेम, अपनी शख्सियत को तर्क करके इस्लाम में दाखिल होता है, उसकी ये कुर्बानी अल्लाह ताला इस कदर कबूल फरमाते हैं कि अपने नबी के ज़बान से हमें बतला दिया कि अलस्लाम यहदिबु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम मा क़ब्ल के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक सहाबी ने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया कि जिसकी तरफ उसने तलवार उठाई और उसने तलवार के चलने से मा क़ब्ल ही कह दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब नबी अलैहिस्सलाम को इस वाक़े का ख़बर हुई तो सहाबी को बुला भेजा और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब उसने कह दिया था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुमने उसे कत्ल क्यों किया? तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल, उसने तो तलवार के खौफ से ऐसा कर लिया था, हालांकि पहले उसने कलमा नहीं पढ़ा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हल्ला शकक्ता क़ल्बहु, हल्ला शकक्ता क़ल्बहु, कि तूने इसके दिल को फाड़ के क्यों ना देख लिया? तो जब तू उसका दिल फाड़ के नहीं देख सकता था तो तूने इसको कत्ल क्यों किया? तुझे क्या पता कि वो दिल से इस्लाम लाया था कि दिल से इस्लाम ना लाया था? तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, हमें सिर्फ ज़ाहिरी आमाल का मुकल्लफ़ बनाया गया है। जब एक शख्स ज़ाहिरी तौर पर कलमा तैयबा का विर्द कर लेता है, इस्लाम को कबूल करने का कह देता है, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उसके बातन को तजस्सुस करें और उसके बातन को जांचने की कोशिश करें। उसका बातन उसका रब जानता है और ये मामला उसका और उसके रब का है, हमारा नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ फ़र्ज़ इतना है कि हम उनकी मदद करें, जहां उन्हें समझ नहीं आती उन्हें समझाएं और उन्हें हिफाजत दें, उनकी प्रोटेक्शन करें और उनके लिए साजगार माहौल बनाएं ताकि वो इस्लाम में आने के बाद ख़ुद को महफूज समझें। हत्ता कि नौ मुस्लिम को तो इस्लाम ने इतना बड़ा दर्जा और रुतबा दिया है कि अल्लाह ताला ने जब ज़कात के मसारिफ़ को बयान फरमाया तो उसमें
نو مسلم کو بھی ایک مصارف زکوٰۃ بتلایا ہے اور اس میں فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب، کہ مؤلفۃ القلوب جو لوگ ہیں جن کے دلوں کی تالیف مقصود ہے انہیں بھی زکوٰۃ میں سے کچھ نہ کچھ دیا کرو۔ یہ دسویں پارے کے تیرہویں رکوع کی آیات کے الفاظ ہیں۔ تو نو مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ اور رتبہ دیا ہے کہ ان کے لیے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا اور اپنے نبی کی زبان سے بھی ان کے لیے خاص خاص احکامات نازل کیے، لہٰذا ایسی باتوں سے انتہائی اجتناب کریں، اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور ایسے نو مسلموں کے لیے بہت نرم گوشہ اپنے دل میں رکھیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرتی ہوں راکھی ساونت کی وہ ویڈیوز کے جس میں وہ رو کر درخواست کر رہی ہیں، ان کی عمرہ کی ویڈیوز بھی آئی ہیں، تو اس کے بعد میں آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی شو کرتی ہوں جس میں وہ عمرہ ادا کر رہی ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ عمرہ بھی انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، آپ نے ایسا بالکل نہیں کہنا۔ تو آپ وہ ویڈیوز دیکھیے۔ اگر اسلام چھوڑ دینا، یا اللہ ان لوگوں کو جو مجھ پہ کمنٹ کرتے ہیں ان کو اتنی سزا دینا، گناہ ان کو دینا خدا، کیونکہ یہ لوگ میرے کو ڈرا رہے، روز کے روز ڈرا رہے۔ یہ تم نے دوپٹہ نہیں لیا، تم نے یہ نہیں لیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ میرا میرے خدا کے بیچ میں رشتہ ہے، میرا خدا، اگر میں جہاں غلط ہوں نا، میرا خدا مجھے بتائے گا۔ انس بھائی، میری ثنا بہن مجھے بتائے گی، ان سارے میرے دوستوں کو، بےچارے اتنے اچھے تھے، میرے کارن سب لوگ بیٹھے افطاری پہ، میرے کارن کتنے اچھے لوگ ہیں وہ۔ بس دوپٹہ تم نے نہیں لیا سر پہ، ان لوگوں نے ٹوپیاں نہیں لی۔ ارے وہ کون سا بیک گراؤنڈ سے آئے وہ تو دیکھو، کہاں سے ٹوپیاں جیب میں لے کر جائیں گے بتاؤ نا، شرم کرو یار، شرم کرو۔ راکھی ساونت کیا اسلام چھوڑ دیں گی؟ وہیں راکھی ساونت نے ثنا خان کا نام لے کر بھی لوگوں کو دہائی دی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، راکھی ساونت کو لگاتار ان کی نماز، ان کے روزے پر، ان کے حجاب پر، ساونت کو روزہ اور نماز کرنے سے پہلے ایک سچا مسلمان بننا۔ تو یہ تھی وہ ویڈیوز۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کو آئیکن کو آل پر سلیکٹ کیجیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ نیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اسپیشلی ان معلومات کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو سکے کہ نو مسلم کا مقام کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور وہ کس سلوک کے مستحق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔